हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल शाजा विद डेली रूटीन व्लॉग। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? और उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्लाह के करम से। और आज कुछ तबीयत मेरी नासाज है, गले में भी ख़राबी है, नज़ला ज़ुकाम है मुझे ना, तो आज मैंने सोचा मैं आपसे मिलूँ और अपने बच्चों से भी मिलवाऊँ। और मेरी एक बेटी है जो नॉर्मल है, उसका नाम है इकरा, और वो जो है माजूर है, ये समझो कि वो बहुत वीक है, वो ना बोल नहीं सकती है, उसको मसला बोलने का है। जैसे बच्चे होते हैं गूंगे होते हैं पैदाइशी, तो ऐसे मेरी बेटी है, और मैं आप उससे मिलवाती हूँ, आज उससे मिलते हैं। तो फ्रेंड, ये मेरी बेटी है इकरा, और इनसे मिलिए, बात करिए। इकरा सलाम करें, बोलो कैसे हैं फ्रेंड, कैसे हैं? तो ये बोल नहीं सकती है। इकरा क्या कर रही थी? इकरा हाँ, ये हमारे सब यूट्यूब फैमिली है से, हाँ आप रोज़ बातें किया करोगी? तो गाइस, ही मैं आपसे मिलवाया करूँगी इससे, और इसकी भी रूटीन शेयर किया करूँगी आपके साथ। तो ये क्या करती है सारा दिन? तो माशाल्लाह ये घर में ही होती है, पढ़ती तो है नहीं क्योंकि बोल नहीं सकती, तो इसे मैंने स्कूल में भी नहीं करवाया है फिलहाल। सोचती हूँ, पर बड़ी हो गई है, अब मैं सोचती हूँ कि इसका मैं इलाज करवाऊँ, पर मैंने कोशिश की है कि मैं काफ़ी जगह मैंने ट्राई किया है, इसका इलाज करवाया, पर कोई भी मतलब के रिज़ल्ट नहीं आया। और यही कहते हैं कि ये बोलेगी एक दिन, कमज़ोरी है, थोड़ी वीक है ये, पर नहीं। बस ये कि ज़्यादातर ना अम्मी, इसके मुँह से जो अल्फाज निकलता है अम्मी और अल्लाह, अल्लाह भी साफ नहीं बोलती है, बस अम्मी कभी कभी जैसे मूड में होती तो अम्मी बोलती है बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बोलती है ना। इकरा बोलो अम्मी। मैं कौन हूँ? अम्मी, अम्मी। तो बस मुझसे बातें करती है और मुझे ही समझ आती है इसकी बातें, तो ये क्या बातें करती है। तो फ्रेंड, आपने हर वीडियो में इसे तो देखा ही होगा, ये सबसे आगे होता है, सबसे छोटा मेरा नखट्टू बेटा है ये। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। YouTube फैमिली, कैसे हो? ठीक ठीक हो? अल्लाह के करम से मैं भी ठीक हूँ। और हमारे चैनल को लाइक करो, बोलो हसनैन, ऐसे करो ना बदतमीजी नहीं, हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें, तो ये शरारती मेरा बेटा है, छोटा है अभी 4 साल का, अभी ये स्कूल में से एडमिशन करवाना है इसका, और अभी ये स्कूल जाया करेगा। और मेरी इकरा, इकरा जो है माशाल्लाह, वैसे तो ये बोल नहीं सकती, माशाल्लाह इतनी जहीन है, हर काम में जैसे देखती है तो वैसे ही कॉपी करती है हर चीज़ की, माशाल्लाह जो है घर के कामों में दिलचस्पी है इसकी, तो ये मतलब कि मेरे साथ घर में ही होती है, तो मेरा हाथ बटाती है चीज़ें वगैरह पकड़ाने में, घर के थोड़े मोटे छोटे मोटे जो है काम होते हैं, माशाल्लाह आगे हो गई मेरे साथ हेल्प करती है, तो इसे शौक़ बहुत है। बस अल्लाह ने एक कमी इसके अंदर रखी है, आपसे दुआ अपील है कि मेरी बच्ची के लिए दुआ करें, ये बोलने लग जाए, और अल्लाह कोई मौजज़ा कर दे मेरी इकरा बोलने लग जाए। मैं इसकी वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। आप सब लोगों से अपील है, मेरे जो भी फ्रेंड है जो मुझे देखते हैं, तो सबसे यही मेरी गुजारिश है कि मेरी बच्ची के लिए दुआ करें, ये बोलने लग जाए। और मेरी जो बड़ी बेटी है, जो हमारा कैमरा मैन है, जो कैमरे के पीछे है, वो मेरी बेटी हमारा बिग बॉस अक्सा है, तो माशाल्लाह अभी पढ़ रही है और मेरे साथ घर के कामों में भी हाथ बटाती है, और जो मतलब कि ये वीडियो बनाना, ये आइडियाज़, ये मतलब जो भी एडिटिंग वगैरह, ये सब मेरी अक्सा ही करती है। बेटी जो है मेरी माशाल्लाह बहुत जहीन है और टैलेंट है इसे, और इसी ने मुझे थोड़ी हौसला दी कि अम्मी आप बनाओ वीडियो, कुछ नहीं होता। पहले तो मुझे बहुत शौक़ तो था, मैं देखती थी, मेरा दिल करता था कि मैं भी वीडियो बनाऊं और आगे बढ़ूं, कुछ करूं, तो जो है कहते हैं ना कि एक बेटी ही माँ का सा वो एक ख़ास दोस्त होती है, माँ बेटियाँ आपस में ऐसे होते हैं जैसे एक छोटी बहनें या बड़ी बहन या एक दूसरे के दोस्त या फ्रेंड होते हैं,
तो वाकई ही बेटी जो है ना माँ का बहुत सार होती है, दोस्त होती है वो एक तरीके से। तो मेरी बेटी मेरा हौसला है, हम एक दूसरे से बात शेयर करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, वो मुझे समझाती है मम्मी ऐसे करो ऐसे करो। माशाल्लाह से टैलेंट है उसमें। और ये जो हमने चैनल बनाया है हम दोनों माँ बेटियों ने मिलकर ही बनाया है। और मेरा कैमरा मैन माशाल्लाह से मेरी अक्सा है। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में अक्सा से आपसे मिलवाऊँगी मैं। और आज मैंने सोचा आपसे बातें हो जाएँ, अपने बारे में कुछ शेयरिंग हो जाए, अपने रूटीन तो रोज़ ही शेयर होती है, तो मैंने सोचा आज आपसे ये, कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी तो आज आपसे बातें करें। और मेरे बारे में आपको जान के कैसा लगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटी हैं मेरी और बेटा है, 3 बेटे हैं और बड़ा बेटा उस्मान है, एक छोटा जो मैंने आपको दिखाया ये सबसे छोटा है, इससे बीच वाला जो है वो अभी मदरसे गया हुआ है पढ़ने के लिए, ट्यूशन गया है, मदरसे से आ गया है ट्यूशन गया पढ़ने। तो माशाल्लाह 3 बेटे और 2 बेटियाँ हैं मेरी, काम करते हैं फर्नीचर के, और माशाल्लाह से वो बाहर ही होते हैं काम करते हैं, यहाँ पर कभी कभी आते हैं साइड एरिया जैसे साइड हो, कभी कहीं कभी कहीं उनका काम होता है। वैसे रूटीन में तो आ जाते हैं वो रोज़ाना ही, तो कभी कभी आउट हो जाते हैं जैसे बाहर चले जाते हैं। और हस्बैंड का नाम मेरा जो है अब्दुल शकूर है, और मेरा तो आपको पता ही है कि शाजिया नाम है, हम दोनों के नाम ऐसे ऐसे शुरू होते हैं। और फ्रेंड और आप सुनाएं अपने बारे में भी हमें, ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप कैसे। मैं जो फ्रेंड घर में ही होती हूँ, हाउस वाइफ हूँ मैं, और ज़्यादातर घर में ही होती हूँ, तो टाइम पास नहीं होता घर की रूटीन जो घर के काम है उनसे फारिग होने के बाद। तो मैंने सोचा चलो वीडियो बनाते हैं, टाइम भी पास अच्छा हो जाएगा और अच्छे अच्छे आप जैसे दोस्त मिलेंगे उनसे बातें भी होंगी शेयरिंग, और मुझे थोड़ा सपोर्ट भी हो जाएगा। आजकल की महंगाई में आपको पता है कैसे घर चलाना मुश्किल है, मेरे एक मेरे हस्बैंड ने बस वो काम करते हैं, तो और घर जो हमारा है वो किराए पर है, तो कराची जैसे शहर में रहना बहुत मुश्किल है आजकल जैसे महंगाई है। तो ये मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड का सपोर्ट करूँ, क्योंकि बाहर मैं निकल नहीं सकती, मैं कुछ कर नहीं सकती, तो मैं कहती हूँ। और ये मैंने अपने हस्बैंड से बहुत मुश्किल से इजाज़त ली है, उनका तो कोई इरादा भी नहीं था और वो इजाज़त अभी भी नहीं दे रहे मुझे बनाने के लिए, तो समझो बस बना रही हूँ वीडियो, और वो बहुत नाराज़ भी होते हैं कभी कभी, तो फिर भी मना लेती हूँ मैं उन्हें। मैंने कहा कुछ नहीं होता, सब आ रहे हैं, सबकी वीडियो दिखाती हूँ, उसे समझाती हूँ, तो फिर वो खामोश हो जाते हैं, वो कहते हैं चलो आपकी मर्ज़ी है। पर कुछ दायरे होते हैं कुछ इंसान के, वो वैसे मना नहीं करते मुझे, पर ये है कि आपको पता ही है कि रिलेटिव हैं रिश्तेदार हैं, लोग किस तरह की बातें बनाते हैं जब कोई कैमरे के सामने आता है। और एक सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ये कि जब एक घर में रहने वाली एक औरत और जो होती है और वो कैमरे के सामने ऐसे आए, तो सबसे ज़्यादा जो है ना रिश्तेदार ही बातें बनाते हैं। फ्रेंड लोग कहते हैं कि वीडियो बनाने के लिए कैमरा अच्छा होना चाहिए, मोबाइल अच्छा महंगा वाला होना चाहिए, तो मेरे पास गाइस जो मोबाइल है वो भी टूटा हुआ है, इसकी स्क्रीन भी टूटी हुई है, बस मैंने शुरू किया है, और अल्लाह मुझे कामयाब करे, आपकी दुआओं के साथ आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर को अपने बच्चों को सपोर्ट करूँ, थोड़ा हस्बैंड के साथ हाथ बटाऊँ उसका, आजकल की महंगाई में आपको पता है बस वीडियो भी बनानी नहीं आती, अपलोड करनी नहीं आती, बेटी मेरा साथ देती है, उसे थोड़ा इतना पढ़ी लिखी हूँ मैं, ये नहीं कि मैं अनपढ़ नहीं हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, पर ये मोबाइल चलाना मुझे नहीं आता, वीडियो वगैरह बनाने ये सारा काम जो है फर्स्ट टाइम है। तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे और अल्लाह का साथ होगा तो सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ अल्लाह मुझे कामयाबी दे इसमें, ये चैनल ग्रो करे और मैं कामयाब हो जाऊँ इसमें। ये जो मैं करना चाह रही हूँ ना ये अपनी बेटी के लिए ही करना चाह रही हूँ, आपको जिससे मिलवाया अभी मैंने इकरा से, वो माजूर है, उसके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, उसका इलाज भी करवाना चाहती हूँ, पर क्या करूँ एक हालात और एक महंगाई ने इंसान के जो है ना मजबूर कर दिया है। और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं अपनी बेटी को अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इसका इलाज करवाऊँ।
कि ये नहीं कि मैंने अपनी बेटी के लिए कोशिश नहीं की। माशाल्लाह तो काफ़ी बड़ी हो गई है, 10-11-12 साल की हो गई है। कोशिश मैंने की है, इलाज भी करवाया है, पर बस वही ना, जब अल्लाह के काम में देर हो, सब अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। और जहाँ तक कि मेरी कोशिश थी, मैंने हॉस्पिटल वगैरह में इसे दिखाया, और मैं चाहती हूँ प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में इसे दिखाऊँ, किसी अच्छे इदारे में इसे दिखाऊँ, तो इतनी मेरी रेंज हो, इतना मेरे पास हो। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज मैंने अपने बारे में आपसे शेयर किया, अपने बच्चों के बारे में, अपने घर के बारे में, हस्बैंड के बारे में, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में शेयर किया। इकरा इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ। तो गाय जो फ्रेंड, आज यहीं तक का व्लॉग था, एंड करते हैं। तो इकरा कहे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो गाइस आज के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।